नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। हम रोहित सर, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 बिल्डिंग स्टोन्स यानी भवन पत्थर। समझ रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर जो मैं कि ये प्रीवियस जो हम पीछे चैप्टर कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर सीमेंट हमारा और सेकेंड चैप्टर लाइम, दो हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट क्या हमारा सीमेंट, सीमेंट का हर एक चीज़ पढ़े हैं हम लोग, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ लिए, मैन्युफैक्चर पढ़ लिए, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग लाइम पढ़ लिए। लाइम के बाद हम पढ़ेंगे थर्ड, जो सेकेंड चैप्टर था हमारा लाइम था। ये थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, थर्ड चैप्टर हमारा बिल्डिंग स्टोन भवन पत्थर। समझ रहे हैं? तो आज इसको हम पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं कि भवन पत्थर क्या होता है। हमारा भवन पत्थर से हम क्या समझ रहे हैं, बिल्डिंग स्टोन से। बिल्डिंग स्टोन से सीधा सीधा हमारा मतलब क्या निकल रहा है, बिल्डिंग स्टोन से मतलब सीधा सीधा निकल रहा है कि जो बिल्डिंग में, जो भवनों में पत्थर हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, भवन पत्थर। जो हम पत्थर भवन में, जो स्टोन हम क्या भवन में इस्तेमाल करते हैं या बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भवन पत्थर बोलते हैं। जो बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भवन। भवन या बिल्डिंग में जो इस्तेमाल करते हैं उस पत्थर को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग स्टोन बोलते हैं, बिल्डिंग स्टोन बोलते हैं। इसको हिंदी में हम भवन पत्थर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भवन पत्थर के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं? इसको हिंदी में हम भवन पत्थर के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए आगे देखते हैं हम कि बिल्डिंग स्टोन में हमारा वो कौन कौन सा पत्थर होता है, वो कौन कौन सा पत्थर होता है जो हम भवनों में, बिल्डिंग स्टोन में यूज करते हैं, बिल्डिंगों में यूज हम करते हैं या भवनों में यूज हम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा पत्थर होता है। समझ रहे हैं? आइए देखते हैं, इसको रफ करते हैं और आइए आगे देखते हैं हमारा बिल्डिंग स्टोन में कौन कौन सा पत्थर हमारा होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, चट्टानों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण इसको हम हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ है हमारा रॉक्स हो गया, चट्टानों का वर्गीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि चट्टानों के वर्गीकरण में कौन कौन से हमारे चट्टान आते हैं, उसको कौन किस में क्लासिफाइड कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है, फर्स्ट होता है हमारा जियोलॉजिकल रॉक्स। कौन सा, जियोलॉजिकल। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो क्लासिफिकेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होगा हमारा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या हो जाएगा हमारा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा हमारा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो भूगर्भीय वर्गीकरण कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भूगर्भीय वर्गीकरण इसको हम कहेंगे। क्या बोलेंगे, भूगर्भीय वर्गीकरण के नाम से इसको हम जानते हैं, भूगर्भीय वर्गीकरण से नाम से इसको हम जानते हैं। सेकेंड होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन,
फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्या हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में भौतिक वर्गीकरण, क्या बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर रहेगा वर्गीकरण रहेगा, वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण इसको हम हिंदी में बोलते हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है हमारा, क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण क्या बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण के नाम से इसको हम जानते हैं, ये हमारा थर्ड होता है, क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण के नाम से इसको हम जानते हैं, समझ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी वो हमारी रॉक्स होती है, किसमें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी रॉक्स होती है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं, समझ रहे हैं। तो आगे चलेंगे और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन सी रॉक्स आती है या कौन कौन सी चट्टाने हमारी आती हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, हमारी कौन कौन सी रॉक्स आती है। तो आइए इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं, आइए देख लेते हैं जियोलॉजिकल रॉक्स में हमारी क्या क्या जियोलॉजिकल रॉक्स हो सकती है, जियोलॉजिकल रॉक्स में हमारी कौन कौन सी रॉक्स हो सकती है। तो हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट आप इग्नियस रॉक्स, कौन सा इग्नियस रॉक्स, हेडिंग डाल लीजिए आप फर्स्ट, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, क्या हेडिंग डालेंगे इग्नियस रॉक्स, समझ रहे हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं आग्नेय, इसको हिंदी में कहते हैं हम आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने इसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या हो गया हमारा इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टाने, इसको आप हेडिंग डाल लीजिए पहले, इसको देख लेते हैं इसमें भी तीन कैटेगरी होता है, तो आइए नंबर वाइज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो होता है हेडिंग डाल लीजिए इग्नियस रॉक्स, आइए देख लेते हैं कि इग्नियस रॉक्स हमारा क्या होता है, कौन सी रॉक्स होती है हमारी इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स में क्या होता है और कैसे हमारी इग्नियस रॉक्स बनती है, कैसे इग्नियस रॉक्स का हमारा निर्माण होता है, इसका मैन्युफैक्चर निर्माण कैसे होता है, कैसे हमारी इग्नियस रॉक्स बनती है, आइए देखते हैं इसको, इसके अंदर चलते हैं और आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा, समझ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा आप लोग। तो इसमें नोट कर लीजिए कई बार अर्थ टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाने पर, क्या कई बार अर्थ टेम्परेचर क्या कई बार अत्यधिक अर्थ टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कई बार अर्थ टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण क्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण अत्यधिक बढ़ जाने के कारण पृथ्वी में उपस्थित
में पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट, क्या सिलिकेट, पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट, इसको लिखिए पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण, अग्नि क्या बोलते हैं, अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण, क्या बोलते हैं, अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण के नाम से इसको हम जानते हैं, किस नाम से, अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण के नाम से हम इसको जानते हैं, सिलिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नि प्रअस्तर कहते हैं। बढ़ जाने पर पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण पिघलकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, पिघलकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, और ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इसे हम इसे इसे हम इसे हम इसे हम यानी अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण मैग्मा कहलाता है, इसे हम अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण सिलिकेट को इसे हम अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण इसे हम अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण या सिलिकेट अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण यानी सिलिकेट अग्नि प्रअस्तर का मिश्रण यानी सिलिकेट अग्नि प्रअस्त्र का मिश्रण यानी सिलिकेट को मैग्मा कहते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, सिलिकेट को हम मैग्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम मैग्मा कहते हैं, पिघलकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इसे हम अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण सिलिकेट को मैग्मा कहते हैं, पिघला हुआ अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण और सिलिकेट को क्या लिख लेंगे, आप लिख लीजिए पिघला हुआ, ऊपर लिखे ही हैं, पिघलकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इसे हम पिघला हुआ अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण सिलिकेट को मैग्मा कहते हैं, इग्नियस रॉक्स में ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अर्थ टेम्परेचर अधिक बढ़ जाने के कारण पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण पिघलकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इसे हम पिघला हुआ अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण को मैग्मा कहते हैं, पिघला हुआ अग्नि प्रअस्तर के मिश्रण सिलिकेट को मैग्मा कहते हैं, हो गया।
जल्दी करिए इसको, हो गया तो आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करिए, आगे बढ़ा जाए अगर हो गया हो तो। चलिए इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसको रफ किया जा रहा है और नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं। इग्नियस रॉक्स के अंदर ही है हमारा क्या सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे पिघला हुआ, लिख लेंगे इसमें पिघला हुआ सिलिकेट। पिघला हुआ सिलिकेट कई बार पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर पिघला हुआ सिलिकेट कई बार पृथ्वी के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर ठंडा होने लगता है। पिघला हुआ सिलिकेट कई बार पृथ्वी के अंदर क्या है ठंडा होने लगता है पृथ्वी के अंदर या सिलिकेट के अंदर कई बार पृथ्वी के अंदर या अर्थ क्रस्ट के अंदर समझ रहे हैं कई बार अर्थ क्रस्ट के अंदर हो गया ठंडा होने लगता है। हो गया ना, इसमें अब लिख लेंगे पॉइंट ही लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए के अंदर ठंडा होने लगता है, इसमें लिख लीजिए या पृथ्वी के कम गहराई में ठंडा होने लगता है। हो गया इतना ही ऊपर का कर लिया अपन लोग ना, ऊपर का ये रफ कर रहे हैं, ऊपर का फर्स्ट पॉइंट रफ कर रहे हैं। ऊपर का फर्स्ट पॉइंट रफ कर दे रहे हैं।
लिख लेंगे इसमें, या पृथ्वी के सतह पर आकर, 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 या पृथ्वी के सतह पर आकर जम जाता है, पृथ्वी की सतह पर आकर जम जाता है, या पृथ्वी के सतह पर आकर जम जाता है, या पृथ्वी के सतह पर आकर जम जाता है, समझ रहे हैं, जम जाता है। इस प्रक्रिया को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इस प्रक्रिया को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इस प्रक्रिया को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इस आधार पर इस आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। इस आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? तीन भाग में। इग्नियस रॉक्स को इस आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। हो गया इतना? नोट कर लिया? तो चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसको देखते हैं इग्नियस रॉक्स को तीन भागों में कैसे बांटा गया है। इग्नियस रॉक्स में रफ कर दिए और इसमें देखते हैं इग्नियस रॉक्स को ही तीन भागों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं इसको, वो तीन भाग कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट लिख लीजिए, ए डालकर फर्स्ट लिख लीजिए, प्लूटोनिक रॉक्स या पातालीय चट्टान। क्या? प्लूटोनिक रॉक्स बस लिख लीजिए, प्लूटोनिक रॉक यानी पाताली चट्टान या बितली चट्टान, पातालीय या बितलीय पाताली या बितलीय चट्टान पाताली या बितलीय चट्टान समझ रहे हैं पाताली या बितलीय चट्टान पाताली या बितलीय चट्टान पाताली या बितलीय चट्टान समझ रहे हैं पाताली या बितलीय चट्टान हो गया।
देख लेते हैं कि पाताली या बितली चट्टान किसे कहते हैं हम, क्या पाताली या बितली चट्टान हम किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तो पाताली या बितली चट्टान किसे कहते हैं, सिंगल सिंगल करते चलेंगे सही रहेगा। अगर आप लोग एक जगह लिखना चाहते हैं तो इसको लिखने के बाद एक जगह भी लिख लीजिएगा, लास्ट में या तो फर्स्ट में जा चाहे जहाँ भी हो जगह छोड़ लीजिएगा और राइट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह लिखते और समझते चलते हैं सही रहेगा, एक एक समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्लूटोनिक रॉक्स पाताली या बितली चट्टान किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए। इसके अंदर यदि पिघला हुआ मैग्मा, यदि पिघला हुआ, यदि पिघला हुआ, यदि पिघला हुआ, यदि पिघला हुआ मैग्मा, यदि पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में जमता है, पृथ्वी के अधिक, पृथ्वी के अधिक गहराई, पृथ्वी के अधिक गहराई में जमता है तो इसे प्लूटोनिक रॉक्स, तो इसे प्लूटोनिक रॉक्स, तो इसे प्लूटोनिक रॉक, तो इसे प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक्स जिसको हिंदी में कहते हैं पाताली या बितली चट्टान, पाताली 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 या बितली चट्टान, पाताली पाताली या बितली, पाताली या बितली चट्टान कहते हैं, पाताली या बितली चट्टान कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स या पाताली या बितली चट्टान कहते हैं। ये हमारा हो गया प्लूटोनिक रॉक्स, पाताली या बितली चट्टान कहते हैं, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या ग्रेनाइट, इसको हिंदी में भी ग्रेनाइट ही हम कहते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको हिंदी में भी ग्रेनाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ग्रेनाइट, जी आर ए ग्रेनाइट। इसको नोट डाउन जल्दी करिए। अगर पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर, यदि पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में जमता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे, पाताली या बितली चट्टान, यानी पाताल में जाके जम जा रहा है। लोग कहते हैं ना आकाश पाताल, तो ये पाताल में जाके, ये पाताल में रॉक्स पाई जाती है, इसको प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, पाताल में, याद करिएगा इसको कि पाताल में, पाताल कहाँ होता है, पृथ्वी के नीचे होता है। ये आपका एक ट्रिक भी हो गया कि पाताल यानी पाताल या पाताली रॉक्स किसे कहते हैं, जो पृथ्वी में पाताल यानी सबसे अंदर जो नीचे जमता है उसको क्या कहते हैं, पाताली चट्टान या प्लूटोनिक चट्टान या बितली चट्टान भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से इसको याद करिएगा आप लोग, समझ रहे हैं इसको। ये हो गया तो बताइए आगे चलते हैं। ये हो गया तो आगे चलते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं, इसको भी रफ कर दे रहे हैं। आप लोग को पता होगा चैप्टर थ्री क्या हमारा है, बिल्डिंग स्टोन है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में क्या है, बिल्डिंग स्टोन है।
समझ रहे हैं? अब दूसरा हम लिख लेंगे, इसमें बी डाल के लिख लेंगे, हाई पे बेसल राग्स। कौन सा? हाई पे बेसल राग्स। कौन सा? हाई पे बेसल राग्स। हाई पे बेसल राग्स हो गया, हाई पे बेसल राग्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिबितली चट्टान। क्या कहते हैं? अधिबितलीय चट्टान। अधिबितलीय चट्टान के नाम से इसको हम जानते हैं। कौन सा? अधिबितलीय चट्टान, हाई पे बेसल राग्स के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अधिबितलीय चट्टान। क्या बोलते हैं? अधिबितलीय चट्टान, अधिबितलीय चट्टान इसको हम बोलते हैं। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं? अधिबितलीय चट्टान। तो आइए देख लेते हैं कि अधिबितलीय चट्टान हमारा क्या होता है। इसके अंदर लिखते हैं, यदि पिघला हुआ मैग्मा, यदि पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर कम गहराई में जमता है तो उसको क्या बोलते हैं? कम गहराई में जमता है तो इसे हाइपोबाइसल राग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिबितलीय चट्टान, हाइपोबाइसल राग्स इसको कहते हैं। यदि पिघला हुआ मैग्मा क्या हमारा? पृथ्वी के कम गहराई में जमता है, मतलब पाताल में नहीं जमता है, यानी पाताल से ऊपर कम गहराई में जमता है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोबाइसल राग्स अधिबितलीय चट्टान बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? हाइपोबाइसल अधिबितलीय चट्टान बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या होता है? डोलेराइट होता है। नोट डाउन करिए इसको जल्दी। क्या इसको याद कर लेंगे? पृथ्वी के जो पाताल से ऊपर जमता है, यानी पृथ्वी के कम गहराई में जमता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोबेसल राग्स या अधिबितलीय चट्टान के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ रहे हैं? जल्दी से इसको नोट करिए, अधिबितलीय चट्टान हमारी क्या होती है, इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद आगे चले। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, इसके बाद आगे चलते हैं।
हाइपेबेसल रॉक्स और द्वितलीय चट्टान जो कम गहराई में जमता है, जिसको एग्जांपल में क्या हम डोलेराइट कहते हैं। पृथ्वी के कम गहराई में जो मैग्मा जमता है उसे क्या कहते हैं, अधिवितलीय चट्टान या हाइपेबेसल रॉक्स। इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं थर्ड हम देख लेंगे वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स कौन सा वॉल्केनिक रॉक, समझ रहे हैं वॉल्केनिक रॉक। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीय चट्टान। क्या बोलेंगे, ज्वालामुखीय चट्टान के नाम से इसको हम जानते हैं। वॉल्केनिक रॉक्स यानी ज्वालामुखीय चट्टान के नाम से इसको हम जानेंगे। इसके अंदर देख लेंगे क्या होता है हमारा ज्वालामुखीय चट्टान या वॉल्केनिक रॉक्स के नाम से इसको हम जानते हैं, ज्वालामुखी चट्टान या वॉल्केनिक रॉक्स। समझ रहे हैं, नोट हो गया हेडिंग। अब इसके अंदर लिखेंगे यदि पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आकर जमता है, तो इसे वॉल्केनिक रॉक या ज्वालामुखी चट्टान, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखीय चट्टान कहते हैं, तो इसे हम ज्वालामुखीय चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी चट्टान यानी वॉल्केनिक रॉक्स ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, बेसाल्ट एंड ट्रैप होता है इसका, बेसाल्ट और ट्रैप इसका एग्जाम्पल होता है। समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल में लिख लीजिए एग्जाम्पल, बेसाल्ट और ट्रैप दो होता है हमारा, ट्रैप अलग होता है, बेसाल्ट अलग होता है, बेसाल्ट और ट्रैप इसका एग्जाम्पल होता है, जो सबसे ऊपर आके पृथ्वी के सतह पर जमते हैं। वॉल्केनिक रॉक्स या ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं लोग ना कि ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा क्या बाहर आके अगर जम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी चट्टान बोलेंगे या ज्वालामुखी वॉल्केनिक रॉक्स के नाम से जानेंगे। समझ रहे हैं, नोट कर लिए इसको आप, हो गया, जल्दी करिए,
रफ करते हैं और आगे चले। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। वाल्केनिक राग से हमारा हो गया ज्वालामुखीय चट्टान, जो क्या पृथ्वी की सतह पर आकर जमता उसे ज्वालामुखी राग या वाल्केनिक चट्टान के नाम से हम जानते हैं। इसका एग्जांपल बेसाल्ट और ट्रैप हमारा होता है। क्या होता है? बेसाल्ट और ट्रैप होता है। देखिए इसको अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे ना, ध्यान से एक बार अगर पढ़ लिए समझ गए आप तो भूलेगा नहीं, और उसके साथ साथ आप लोग रिविजन भी करते रहिएगा, नहीं तो एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो जैसी बात है भूल जाएगा। समझ रहे हैं ना? पढ़ के छोड़ देंगे तो भूल जाएगा। नोट में डाल के लिखिए, नोट में डाल के लिखिए, इग्नियस राक्ष को अनस्ट्रेटिफाइड राग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड राग। क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड राग के नाम से भी जानते हैं। इग्नियस राग को अनस्ट्रेटिफाइड राग के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हैं ना? अनस्ट्रेटिफाइड राग के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड को अपरती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरतीय चट्टान, अपरतीय चट्टान होते हैं, अपरतीय चट्टान है, या अस्तरित इसको बोल सकते हैं, अस्तरित या अस्तरित चट्टान है, या अस्तरित चट्टाने भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्तरित चट्टाने भी कह सकते हैं। इग्नियस राश को हम स्ट्रेटिफाइक राश की श्रेणी में रखते हैं। अपरतीय चट्टाने, अस्तरित चट्टाने कहते हैं इसको, चट्टाने कहते हैं, लिख सकते हैं आप। इग्नियस राश को अनस्ट्रेटिफाइड राश, अपरतीय चट्टाने, अस्तरित चट्टाने कहते हैं। हो गया? हो गया तो रफ करते हैं और आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। चलिए इसको रफ करते हैं। इग्नियस राग को और हम क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड राग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड राग के नाम से इसको हम जानते हैं, या अस्तरित चट्टान या अपरतीय चट्टान के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ रहे हैं ना? अब दूसरा हमारा लिख लीजिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा दूसरा क्या होता है? तो होता है दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको हिंदी में कहते हैं अवसादी। क्या बोलते हैं? अवसादी क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में अवसादी चट्टाने के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अवसादी चट्टाने के नाम से जानते हैं, औषादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या हिंदी में क्या कहते हैं? औषादी रॉक्स के नाम से जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है, एक और नाम में लिख लीजिएगा, तलछटी चट्टाने के नाम से भी जान सकते हैं। क्या? तलछटी चट्टाने, औषादी चट्टाने या
तलछटी चट्टानें के नाम से इसको हम जानते हैं, इसको दो नाम से हम जानते हैं हिंदी में, अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक को। हो गया, चलिए इसके अंदर लिखते हैं क्या होता है, पॉइंट डाल लीजिए और वो करिए, नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए और नोट करिए। इस चट्टान को हम जलीय चट्टान भी कहते हैं, लिख लीजिए, इस चट्टान को जलीय चट्टान इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वियस, जलीय चट्टान एक्वियस रॉक, जलीय चट्टान एक्वियस रॉक, इस चट्टान को जलीय चट्टान एक्वियस रॉक्स भी कहते हैं, इस चट्टान को जलीय चट्टान एक्वियस रॉक्स भी कहते हैं। हो गया, इसमें सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, ये रॉक्स या ये चट्टानें पहले से ही पहले से ही इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री, पहले से ही ये रॉक्स क्या होती है, ये चट्टानें पहले से ही जमी होती हैं और मौसमी प्रभाव के कारण ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मौसमी प्रभाव के कारण ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लिख लीजिए, तथा परत दर परत इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लेयर टू लेयर, क्या कर सकते हैं लेयर टू लेयर, तथा परत दर परत
जम जाती है तथा परत दर परत जम जाती है, परत दर परत जम जाती है तथा परत दर परत जम जाती है, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं हो गया इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या इस चट्टान को क्या हम समझ लीजिए पहले एक बार, इस चट्टान को जली चट्टान भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चट्टान को हम जली चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है, ये चट्टानें पहले से ही जमी होती हैं तथा मौसमी प्रभाव के कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्ट मतलब जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ट्रांसपोर्ट का डिफिनेशन ही होता है, तो ट्रांसपोर्ट बस लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मौसमी प्रभाव के कारण क्या ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी मौसमी प्रभाव के कारण ट्रांसपोर्ट हो जाती है तथा परत दर परत जम जाती है, इस चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं, इसको जली चट्टान क्यों कहते हैं, इसको जली चट्टान या एक्वस रॉक्स क्यों कहते हैं, ये पहले से ही जमी होती है वो, और जो है कि मौसमी प्रभाव के कारण, कौन से मौसमी, यानी वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या होती है, चट्टाने हमारी कट के पानी से, क्या पानी के धार से हमारा चट्टाने कट के और क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होने लगती है, ट्रांसपोर्ट होके और क्या होती हैं, परत दर परत जाके जम जाती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट होकर नदियों में चली गई, नदी क्या करती है, दूर लेके मतलब चली जाती है पानी, जो में कि जहाँ पे टापू बन जाता है, देखे होंगे कहीं कहीं टापू बन जाता है, तो क्या होता है हमारा टापू बन जाता है, तो इसी तरह टापू होता है, मिट्टी का क्या होता है, मिट्टी का कटाव करके या रॉक्स का, चट्टानों का कटाव करके जाके क्या मतलब हमारा टापू बनता है, और वहाँ पे क्या पहाड़ टाइप और रॉक्स टाइप हमारा हो जाता है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं। समझ रहे हैं, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से ही जानते हैं, परत दर परत जो जाके जम जाता है, टीला बन जाता है, उसको ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। समझ रहे हैं ना, ये पहले से अवेलेबल होती है, और मौसमी कारण जब वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में कटान होता है, कटान के कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ट्रांसपोर्ट होता है, और परत दर परत लेयर बाई लेयर जम जाती है हमारी। समझ रहे हैं, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना, आसान भाषा में बता दिए, समझ जाएंगे आप। अगर समझ में ना तो एक बार नहीं दो बार वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर जो में कि अपलोड होगा ही, समझ रहे हैं ना, तो एक नहीं दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बस समझने वाली चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार समझ गया आप तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, चलिए इसको कर लीजिए। हो गया, चलिए तो हम रफ करते हैं। और क्या होता है, जो पहले से चट्टानें जमी होती है, तो चट्टानें से जम के क्या होती है, पहाड़ की तरह हो जाती है, जहाँ से ज्वालामुखी फूटता है वहाँ से बहुत ऊपर तक मतलब जाता है उसका जो मैग्मा होता है। समझ रहे हैं, तो पहाड़ टाइप हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बारिश होता है तो कटान होता है, पानी के कारण कटान होता है, तो क्या होता है, वो नीचे भी आके जम जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नदी द्वारा ही मतलब दूसरे जगह जाएगा। समझ रहे हैं ना, उसके पहाड़ कटान होकर उसके नीचे भी आके जम सकता है। समझ रहे हैं, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में क्या हमारा निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं।
सेडिमेंट्री रॉक्स को लिख लीजिएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स को परतीय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को। स्ट्रेटिफाइड को क्या कहते हैं? परतीय, जो परत दर परत जम जाता है, क्या हो जाता है? परतीय चट्टान हो जाता है हमारा, समझ रहे हैं? जो परत दर परत जम जाता है, क्या होता है? परतीय चट्टाने हमारी होती है, परतीय चट्टाने होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम परतीय चट्टान कहते हैं। और वो अस्तरित था तो ये क्या हो जाएगा? अस्तरित हो जाएगा, इसको अस्तरित भी कह सकते हैं, अस्तरित चट्टान है, समझ रहे हैं? वो अस्तरित था जो में कि क्या हमारा इग्नियस रॉक्स क्या था? अस्तरित था, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अस्तरित रॉक्स हो जाएगा, अस्तरित चट्टान या परतीय चट्टान के नाम से इसको हम भी जानते हैं, समझ रहे हैं ना? परतीय चट्टान या अस्तरित चट्टान के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको जली चट्टान क्यों कहते हैं? जल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर आई रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जली चट्टान के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हैं ना? जल के द्वारा जो बहकर ट्रांसपोर्ट होकर कटान होकर पानी से आती है, उसको क्या जली रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, या इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, परतीय चट्टान या अस्तरित चट्टान भी कह सकते हैं। पेपर में देखिए कुछ किसी भी नाम से पूछ सकता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, समझ रहे ना? पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, समझ रहे हैं ना? तो इसको बढ़िया से जो मैं कि समझ लेना है, इसको क्या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, परतीय चट्टान या अस्तरित चट्टान या जली चट्टान, कोस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना? चलिए इसको लिख लिया और आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, क्या इसका एग्जांपल लिख लीजिए। पहला क्या होता है हमारा, जैसे लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन होता है। तीसरा क्या होता है हमारा? जिप्सम होता है, समझ रहे हैं ना? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम, समझ रहे हैं ना? इसके बाद होता है ग्रेवेल, ग्रेवेल। इसके बाद होता है हमारा लेटराइट, क्या होता है? लेटराइट होता है, समझ रहे हैं ना? लेटराइट होता है। इतनी मतलब हमारी होती है, क्या हो गया हमारा? लाइमस्टोन हो गया फर्स्ट, फर्स्ट लाइमस्टोन हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? सैंडस्टोन। थर्ड हमारा हो जाएगा जिप्सम। फोर हो जाएगा हमारा ग्रेवेल। फाइव हो जाएगा हमारा लेटराइट। इतनी चट्टान जो बनती है, ये सब चट्टानों को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से इसको हम जानते हैं, क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से इसको हम जानते हैं, लाइमस्टोन को, सैंडस्टोन को, जिप्सम को, ग्रेवेल को और लेटराइट को हम सैंडस्टोन के नाम से जानते हैं, समझ रहे हैं ना? सैंडस्टोन के नाम से इसको हम जानते हैं, सैंडस्टोन के नाम से इसको हम जानते हैं, हो गया। इसको रब करते हैं तब आगे चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को और क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, या अस्तरित चट्टाने भी कहते हैं, या परतीय चट्टाने भी कहते हैं। ये रब कर रहे हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल होता है हमारा लाइमस्टोन, क्या होता है? लाइमस्टोन हमारा होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? सैंडस्टोन। और तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और जिप्सम। चौथा क्या होता है हमारा? ग्रेवेल होता है। पांचवा क्या होता है? लेटराइट होता है, समझ रहे हैं ना? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, थर्ड हमारा आ जाएगा क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको हिंदी में कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित, कायांतरित
या रूपांतरित, कांतरित या रूपांतरित चट्टान है, समझ रहे हैं ना? कांतरित या रूपांतरित चट्टान इसको हिंदी में कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स को क्या बोलते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने हम बोलते हैं। यहाँ पे रहेगा चट्टाने हो जाएगा ना, कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने बोलते हैं हम, समझ रहे हैं ना? कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने भी बोलते हैं हम इसको। तो आइए देख लेते हैं कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने हमारे क्या होता है। इसको लिख लीजिए इसका डिफिनेशन में। पहला पॉइंट, कई बार ताप और दाब। ताप और दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ताप को कहते हैं टेम्परेचर। कई बार ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर। ताप और दाब, टेम्परेचर, प्रेशर के कारण देखिए, आइए कैपिटल में कंफ्यूज मत होइएगा, हर जगह वैसा ही बना है, नहीं तो चलिए इसी तरह बना दे रहा है, या इस तरह इग्नियस कई बार ताप और दाब के कारण इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स समझ रहे हैं ना? कई बार ताप और दाब के टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ बदलाव हो जाता है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने कहते हैं। हो गया ना? कई बार ताप और
दाब के कारण क्या होता है, इग्नियस राक्स और सेडिमेंट्री राक्स में कुछ बदलाव हो जाता है जिसे हम मेटामॉर्फिक राक्स कहते हैं। ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है? समझ रहे ना, कुछ बदलाव हो जाता है जिसे हम मेटामॉर्फिक या रूपांतरी राक्स कहते हैं। बदलाव का क्या, एक नई राक्स का निर्माण हमारा होता है। इग्नियस राक्स और सेडिमेंट्री राक्स में क्या, ताप और दाब के कारण कुछ बदलाव हो जाता है, समझ रहे हैं, जिससे एक नई चट्टान का निर्माण हो जाता है, क्या कहते हैं, जिसे हम मेटामॉर्फिक रूपांतरित या कायंतरित चट्टाने कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जब बदलाव होगा तो चट्टान निर्माण होगी। बदलाव हो गया तो समझ लीजिए, अगर बदलाव हो गया ये क्या, इग्नियस राक्स और सेडिमेंट्री राक्स में, हमारा इग्नियस राक्स और सेडिमेंट्री राक्स में अगर बदलाव हो गया क्या, हमारा ताप और दाब के कारण, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हमारा बदलाव हो गया, तो समझ लीजिए कि वो क्या हो गया, रूपांतरित चट्टान हमारी बन गई, जिससे एक नई चट्टान बन गई। बदलाव होने से वो कौन सी चट्टान बन गई, रूपांतरित चट्टान हमारी बन गई। समझ रहे हैं, इस पर जल्दी से नोट डाउन करिए और आगे चले, जल्दी से उसको नोट डाउन करिए। ऊपर से रफ कर रहे हैं जो हेडिंग लिखे है मेटामॉर्फिक राक, रूपांतरित या कायंतरित चट्टान है, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कई बार ताप और दाब के कारण क्या होता है, जो इग्नियस राक्स और सेडिमेंट्री राक्स हमारी होती है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है या बदलाव हो जाता है। समझ रहे हैं, जो बदलाव हो जाता, बदलाव होकर जो राक्स बनता है उस राक्स को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक राक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक राक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक राक्स बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, मेटामॉर्फिक राक्स बोलते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा एग्जांपल में क्या क्या होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में हमारा क्या क्या होता है, कैसे बदलाव होता है, एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट हो जाता है, सैंडस्टोन जिसे सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्वार्टजाइट हो जाता है सैंडस्टोन का। समझ रहे हैं ना, और लाइमस्टोन का क्या होता है, हमारा लाइमस्टोन का हमारा मार्बल बनता है, क्या बनता है, मार्बल हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संगमरमर, संगमरमर क्या बोलते हैं, जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संग क्वार्टजाइट को हिंदी में भी हम क्वार्टजाइट ही कहते हैं। सैंडस्टोन को क्या हो गया, हमारा क्वार्टजाइट हो गया, लाइमस्टोन का मार्बल संगमरमर, ठीक है ना, लाइमस्टोन का संगमरमर। ताजमहल में हमारा कैसा संगमरमर लगा है, सफ़ेद कलर का लगा है संगमरमर, समझ रहे हैं ना, तो इसको ताजमहल के नाम से याद कर लीजिएगा, ट्रिक है ये, समझ लीजिए कि ताजमहल में कौन सा संगमरमर लगा है, सफ़ेद रंग का, उसके क्या आसपास जो मैं कि गाड़ियों को जाना वन जो मैं कि गाड़ियाँ उसके आसपास नहीं जानती है, गाड़ियों को जाना मना है वहाँ पे आसपास, क्यों, क्योंकि प्रदूषण के कारण क्या होता है, सफ़ेद संगमरमर का हमारा क्या होता है, डिसकलर होता है, रंग उसका बदलने लगता है, समझ रहे हैं, इसलिए क्या प्रदूषण वायु प्रदूषण के कारण बदलता है, जिससे उसके आसपास क्या आसपास हम गाड़ी घोड़े जुमेगी, यानी वायु से कुछ भी चिमनी उमनी नहीं मतलब बना सकते हैं, या इंडस्ट्री वगैरह भी नहीं वो कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो लाइमस्टोन से क्या बनेगा, हमारा मार्बल संगमरमर बनेगा, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, जो कि प्यार की निशानी एक है, क्या हमारा ताजमहल, समझ रहे हैं ना, संगमरमर इसको याद कर लीजिएगा, लाइम स्टोन से हमारा संगमरमर बनेगा, सैंड स्टोन से क्वार्टजाइट बनेगा, समझ रहे हैं ना।
और हमारा स्लेट स्लेट से क्या बनेगा, सेल से स्लेट बनेगा, क्या रे बनेगा, सेल से स्लेट बनेगा, सेल से क्या बनेगा, स्लेट बनेगा, स्लेट होगा। ये किसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है हमारा, किसका है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है, स्लेट बन जाएगा। ग्रेनाइट से हमारा क्या बन जाएगा, निज बनेगा, क्या बनेगा, निज बनेगा, क्या बनेगा, ग्रेनाइट से निज बनेगा, उसका स्पेलिंग होता है GNEIWS, निज होता है। ग्रेनाइट्स क्या बनेगा हमारा, निज बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का क्या हो गया हमारा, क्वार्टजाइट हो गया। लाइमस्टोन का क्या हो गया हमारा, मार्बल संगमरमर हो गया। सेल का क्या हो गया, स्लेट हो गया हमारा, समझ रहे हैं। ग्रेनाइट का क्या हो गया हमारा, निज हो गया, क्या होगा, निज होगा। ये हमारा क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स के हमारे एग्जांपल हो गए, समझ रहे हैं ना। ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल होगा। देखिए, और ये सब जो है क्वार्टजाइट को भी हिंदी में क्वार्टजाइट ही कहते हैं, मार्बल को संगमरमर कहते हैं, स्लेट को स्लेट बोलते हैं, निज को निज ही बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। आइए वही होता है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सेल, ग्रेनाइट, इसको भी वही बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, इनको भी उसी नाम से हम जानते हैं हिंदी में भी, समझ रहे हैं। हो गया इतना, इतना आप लोग कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही। हम क्या जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज पढ़ लिए, बिल्डिंग स्टोन में क्या पढ़ लिया, हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो जिसमें तीन था हमारा, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके अंदर क्या क्या होती है, ये रॉक्स कैसे बनती है, कैसे उत्पादन होता है, इनका एग्जांपल क्या क्या होती है, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, इनका एग्जांपल में क्या क्या होता है, इग्नियस रॉक्स में कौन कौन से और जो में की टाइप होती हैं, समझ रहे हैं। तो क्या ये हम सब कर लिए आज, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल, ठीक है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद।